देखिए, इसमें पूरा बजट जो है 2000 करोड़ रुपए का पटना का है, बाकी जगहों का कम है, कहीं 1500 है, कहीं 1400 है, कहीं 1200 है, लेकिन 2000 करोड़ का यहाँ पर बजट है, जिसमें लगभग हम लोग 800 करोड़ से ऊपर का टेंडर अवार्ड कर दिया है, जो काम आपको सर जमीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन पहले पटना सबसे गंदा शहरों में सबसे अव्वल था, लेकिन अब स्थितियां बदलने वाली है। खासतौर पर पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है और तेजी से कदम बढ़ाया है। हमारे साथ नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा हैं। शर्मा जी, स्मार्ट सिटी का हम लोगों ने काफ़ी समय से सुन रखा है कि पटना स्मार्ट सिटी बन रहा है बन रहा है, लेकिन अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है धरातल पर। देखिए, स्मार्ट सिटी का जो प्रोविजंस है वो उसको हमको ज़मीन पर उतारने में समय लगा है, और इसमें हम लोग काफ़ी अब काम हर हर स्मार्ट सिटी का, जो 4 स्मार्ट सिटी बिहार में जो हमको मिला, वो चारों में काम लेट शुरू हुआ है लेकिन दुरुस्त शुरू हुआ है। हम समझते हैं कि रोड का है, या आपको मल्टी स्टोरेज पार्किंग का है, या गांधी मैदान में भव्य गेट बनाने का है, ये सारे काम जो है सो हमारा स्टार्ट हुआ है। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी आपको धरातल पर ये काम मिलेगा। ICCC जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है, उसकी बिल्डिंग हर जगह बननी शुरू हो गई है, तो जब बिल्डिंग बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो भी हो जाएगा। ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक सिस्टम जो लाइट है, वो आंशिक हुआ है, उसको पूरा ढंग से हम लोग करवा रहे हैं। तो जो कचरा प्रबंधन का है, वो स्मार्ट सिटी में भी उसको हम लोग बायो रेमेडिएशन से उसको मिट्टी बना करके और उसको करने का जो टेंडर निकाल करके उसका भी हम लोगों ने काम अवार्ड किया है। तो ये आप समझिए कि काम अब ढंग से शुरू हो गया है, चारों स्मार्ट सिटी में काम आपको अब दिखेगा। मतलब अब धरातल पर दिखना शुरू हो बिल्कुल जाएगा। हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि 2017 से ही स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आया है पटना या जो बिहार के अन्य जो 3 शहर हैं, तो पटना के लिए खासतौर पर कितने रुपये का आवंटन है, इस पूरे बजट क्या है मतलब स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अभी तक कितना खर्च हुआ है? देखिए, इसमें पूरा बजट जो है 2000 करोड़ रुपए का पटना का है, बाकी जगहों का कम है, कहीं 1500 है, कहीं 1400 है, कहीं 1200 है, लेकिन 2000 करोड़ का यहाँ पर बजट है, जिसमें लगभग हम लोग 800 करोड़ से ऊपर का टेंडर अवार्ड कर दिया है, जो काम आपको सर जमीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्मार्ट सिटी बनाने का जो मतलब समय सीमा है वो मुझे लगता है कि 2022 तक है। तब तक क्या पटना स्मार्ट सिटी बन जाएगा, आप ये कह सकते हैं? देखिए, हम जरूर इस कोशिश में है कि 2022 तक स्मार्ट सिटी का जो प्रारूप ही नहीं, उसको सह जमीन पर उतार करके, जो उसके AVDA एरिया में है, जो उसका ऑप्शन हम लोगों ने शुरू किया है, उस काम को हम लोग पब्लिक को कर करके दिखलाएं, पब्लिक उस स्मार्ट सिटी का फायदा उठा सके। क्या क्या देखने को मिलेगा? अभी देख रहे हैं कि साथ कुछ नए प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहे हैं, जैसे हैप्पी रोड और तमाम चीज़ें जो है। देखिए, जो बेहतरीन से बेहतरीन हैप्पी रोड का मतलब है कि वह रोड जिसके अंदर केबल अंडरग्राउंड हो जाएगा, जितने जो आपका बिजली का पोल है वो सब अंडरग्राउंड हो जाएगा, गैस पाइपलाइन जो बिछ रहा है वो अंडरग्राउंड ही रहेगा, नाली का सिस्टम जो होगा वो भी बेहतरीन होगा, उसके बगल से चलने का साइकिल पैदल चलने के लिए बेहतरीन रोड रहेगा, यानी वह रोड इस आम जो रोड हम लोग बनाते हैं या पथ निर्माण विभाग भी बनाता है, उससे बहुत ही बेहतर रोड होगा, इसलिए उसको हैप्पी हैप्पी रोड, रोड का नाम रखा लेकिन गया वो है। एक ही रोड होगा पूरे शहर में। नहीं, देखिए, AVDA एरिया में जो बड़ी सड़कें हैं वह हम उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन जो छोटी सड़कें हैं जिसमें इतने ऑप्शन हम नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आगे विचार किया जाए।
जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी पटना? वाटर लॉगिंग की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको तीन तरह के नाले, जो एक हमारे मुख्यमंत्री जी का जो प्राइम प्रोजेक्ट है सात निश्चय, उसके अंदर नालियां बन रही है, उससे हम मास्टर नाला पूरे का डीपीआर बना रहे हैं, पूरे पटना का डीपीआर हमने बनाने को शुरू कर दिया। तो मास्टर नाला में वो लिंक नाला का पानी जाएगा और उस पानी को हम लोग आउटफॉल नाला से एसटीपी से निकाल करके उसको हम बहाएंगे, एसटीपी में वो जाएगा। तो साफ पानी अगर कहीं भी जाएगा तो साफ पानी यूटिलाइज होगा। हम कोशिश तो जरूर करेंगे कि गंगा में हम किसी भी गंदे पानी का बहाव नहीं करें। ये काम जो होगा ये भी स्मार्ट सिटी को ऐड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हम समझते हैं कि पटनावासी को स्मार्ट सिटी का जो जो ख्वाब है वह 22 तक में देखने को पूरा होगा। बिल्कुल, तो जैसा कि बता रहे हैं मंत्री जी कि 2022 तक पटना स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो जाएगा। अब देखना यही है कि अपने वादे पर कितने खरे उतरते हैं मंत्री जी, लेकिन लोगों को इंतजार है, क्योंकि पटना जिस तरीके से पिछले दिनों सबसे गंदा शहर में शुमार हुआ था, लोग चाहते हैं, यहाँ के आम जनता चाहती है कि हमारा पटना भी सुंदर रहे, स्मार्ट रहे। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।